सरफेस केमिस्ट्री एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड एग्जामिनेशन हो या फिर जी हाँ जेई नीट और एडवांस के लिए तो उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, मगर हाँ फिर भी उसमें भी क्वेश्चंस आते हैं। जेई एडवांस 2021 में भी सरफेस केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसी का एक टॉपिक है, आपको कोई भी एग्जांपल दे दिया जाएगा, जैसे मेटल एंड सल्फाइड्स, गम, जेलाटिन, स्टार्च, समथिंग दे दिया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि ये लायोफोबिक है या लायोफिलिक है, कौन सा है। तो देखिए यही मैं इसमें बताने वाला हूँ, बोर्ड एग्ज़ाम में खास करके ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए मेटल एंड जो सल्फाइड्स हैं वो लायोफोबिक होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। तो फील मतलब होता है टू लव एंड फोबिया, फोबिया मतलब डर होता है, तो उसी तरह जैसे हाइड्रोफोबिक मतलब होता है कि पानी से जो डर लगे, हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफिलिक पार्ट आपने पढ़ा होगा, तो उसी तरह मेटल, इसको ट्रिक यही है इसका कि लायोफोबिक को समझिए आपकी हाइड्रोफोबिक है। तो कोई भी मेटल को अगर आयरन को आप डालेंगे वाटर में, मीन्स तो वो क्या होता है, उसमें रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है, उसमें जंग लग जाता है और वो ख़राब हो जाता है, तो वो हाइड्रोफोबिक होगा, मतलब पानी से एक तरह से डरता है तो वो ख़राब हो गया। तो उसी तरह आप ट्रिक याद रख सकते हैं कि आयरन या फिर कोई भी मेटल एंड उसका सल्फाइड MS आप याद कर सकते हैं, MS धोनी। तो कोई भी अगर ऐसा मेटल है या सल्फाइड से, वो हाइड्रोफोबिक होगा, मतलब लायोफोबिक होगा। ये ट्रिक है हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक का, बस याद करने के लिए। उसके बाद जो भी है, गम है, जेलाटीन है, स्टार्च है, रबर है, गम आप यूज़ करते हैं मान लीजिए चिपकाने के लिए, जस्ट ट्रिक है, ऐसे तो वो नहीं होता, रबर है आप यूज़ करते हैं मिटाने के लिए, जेलाटीन है, स्टार्च है, तो इस तरह के जो भी चीज़ है वो हमेशा लायोफिलिक होगा। आप बस इसको याद रखिए, हाइड्रोफोबिक मेटल होता है, आयरन होता है, रस्ट लग जाता है तो उसे लायोफोबिक, तो और बाकी जो ये सब है इसको लायोफिलिक होता है। उसी तरह के एक सेकेंड टाइप होते हैं कि आपको पॉजिटिव सोल और नेगेटिव सोल पूछा जा सकता है, एग्जांपल दिया रहेगा और आपको बताना होगा कि इसमें से कौन सा पॉजिटिव सोल है और इसमें से कौन सा नेगेटिव सोल है। तो देखिए जैसे पॉजिटिव का मैंने लिस्ट बना रखा है और नेगेटिव का लिस्ट बना रखा है, मगर ट्रिक क्या है इसको याद करने का, ये देखिए नेगेटिव मेटल M से स्टार्ट होता है तो इसलिए N होगा, MN है, M के बाद N आता है तो नेगेटिव हो जाएगा। सल्फाइड्स, मेटल और सल्फाइड्स उसमें भी आपने देखा था एक कैटेगरी था लायोफोबिक, तो मेटल और सल्फाइड्स जो भी सल्फाइड्स हैं जैसे FeS हुए या फिर जो भी सल्फाइड्स हैं वो सब नेगेटिव होंगे, नेगेटिव सोल्स होंगे। और एसिड डाई जो है वो नेगेटिव होगा, एसिड डाई नेगेटिव, या फिर आप इधर ही देख सकते हैं कि जो भी ऑक्साइड्स है ओ के बाद पी आता है, ओ के बाद पी आता है इसलिए पॉजिटिव होगा, या फिर हाइड्रेटेड ऑक्साइड मतलब जिसमें OH होते हैं, ठीक है, ऑक्साइड्स जिसमें ओ होते हैं और हाइड्रेटेड ऑक्साइड मतलब जिसमें OH होते हैं, तो ओ है तो यहाँ पे पी हो गया, इसी तरह MnS सल्फाइड हो गया। बेसिक डाई तो BP होता है, BP बढ़ जाना, बॉइलिंग पॉइंट या फिर BP जो है आपका, BP मीन्स ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, BP तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। और हेमोग्लोबिन आपको याद रखना है कि पॉजिटिव, हेमोग्लोबिन ब्लड में होता है और ब्लड टेस्ट कोरोना पॉजिटिव, ऐसे समथिंग आप याद रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको पॉजिटिव जो भी है याद हो गया, OP हाइड्रेटेड ऑक्साइड का OP है, बेसिक का BP है और हेमोग्लोबिन ब्लड, ब्लड से पॉजिटिव, ठीक है, ब्लड पॉजिटिव। और मेटल आपको याद है, मेटल नेगेटिव होगा, सल्फाइड्स नेगेटिव होगा, बचा ये दोनों, तो ये दोनों बचा तो ये आप नेगेटिव कर सकते हैं क्योंकि ये चार इसमें है, चार इसमें है, अगर ये चारों पॉजिटिव आपको याद हैं और ये दो नेगेटिव याद हैं तो फिर ये दो नेगेटिव भी आप याद कर सकते हैं। तो ये ट्रिक था, ये आई होप कि ये आपको ज़रूर हेल्प करेगा, आपका मार्क्स इंक्रीज़ करेगा। इसी तरह की वीडियो अगर आप और ट्रिक वाले देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, टोटली फ्री है और आपका एक सब्सक्रिप्शन हम लोग के लिए हमारे मॉरल को और बढ़ाता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।